हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिकास कुक बुक। आज हम घर पे फ्रोजन मटर कैसे बनाई जाए ये देखेंगे। फ्रोजन मटर बिल्कुल बाजार जैसी बनके तैयार होती है और इसको बनाना बहुत आसान है। आजकल हरी मटर बहुत अच्छी आ रही है मार्केट में, तो क्यों ना हम घर पे मटर को फ्रीज करके रखें और साल भर तक उसका आनंद उठाएं। आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए बनाते हैं फ्रोजन मटर। तो आइए देखते हैं मटर को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। मटर को प्रिजर्व करने के लिए मैंने लिए हैं थोड़े से मटर। मटर इस सीजन में बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये बिल्कुल सही टाइम है मटर प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि अभी दाने का साइज भी सही आ रहा है मटर का और मटर मीठी भी आ रही है। थोड़े दिन बाद मटर का दाना भी थोड़ा पक जाएगा और मटर का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, इसलिए अभी मटर को प्रिजर्व कर लेना बहुत अच्छा रहेगा। तो मटर मैंने ले ली है, थोड़ा सा मैंने पानी बॉइल करने के लिए रखा है। पानी उतना चाहिए जिसमें हमारी मटर डूब जाए। मटर को बॉइल करने के बाद, थोड़ा सा बॉइल करना है मटर को, ज्यादा नहीं, उसके लिए हमें छलनी चाहिए। हम छलनी में निकाल लेंगे मटर को। उसके बाद हमें मटर को फैलाना होगा एक ट्रे में, जिसके लिए मैंने एक ट्रे ले ली है। और उसके बाद मटर को प्रिजर्व करने के लिए हमें जिपलॉक्स चाहिए। आप चाहें तो सिंपल पॉलिथिन बैग्स का भी यूज कर सकते हैं। तो आइए मटर को प्रिजर्व करते हैं। पानी में बॉइल आ गया है और पानी बिल्कुल अच्छे से उबल रहा है। मैं इसमें मटर डाल देती हूँ और गैस को मैं तुरंत बंद कर दूंगी और इस गर्म पानी में इसको लगभग 30 से 40 सेकंड मुझे हिलाना है। मटर बहुत जल्दी गल जाती है और मटर के दाने बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं गर्म पानी में। अगर हम गैस को ऑन रख के इसको थोड़ी देर उबलने देंगे तो मटर के जो दाने हैं वो पॉपअप हो जाते हैं, वो फटने लगते हैं। हमें उस तरह की मटर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने गैस को तुरंत बंद कर दिया। मटर डालने से पानी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा डाउन हुआ है और मटर का कलर भी आप देखिए चेंज हो रहा है, बहुत सुंदर डार्क ग्रीन कलर के मटर हो रहे हैं और पानी की हीट से ये अपने आप थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो मुझे इसको खाली 30 से 40 सेकंड इसके अंदर रखना है, उसके बाद मैं इन मटर को छलनी में निकाल लूंगी। मटर को मैंने बराबर हिलाया और लगभग 40 सेकंड हो गए हैं, तो अब मैं मटर को छलनी में निकाल लेती हूँ। हमने मटर छलनी से निकाल लिए हैं, बहुत सुंदर कलर आया मटर का। हमने इसमें चीनी का यूज नहीं किया इसको कलर देने के लिए, लेकिन गर्म पानी में जाते ही मटर का कलर अपने आप अच्छा हो जाता है। हम इसको हाथ से हल्का सा प्रेस कर रहे हैं तो थोड़े से गले हुए भी लग रहे हैं। फ्रीजर में जब हम इनको फ्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो छलनी से अच्छे से इसका पानी मैंने हिला हिला के इस तरह से निकाल दिया है और अब मैं इनको एक ट्रे में हिला लूंगी। इनको अगर मैं इसी तरह से ठंडा होके हो जाए तो इनको इकट्ठा करके अगर मैं जिपलॉक्स में डाल दूंगी तो इनके अंदर जो मॉइस्चर है उससे ये आपस में चिपक सकते हैं। तो ये हम जब हम इनको यूज करने के लिए निकालेंगे तो हमें एकदम क्लस्टर्स में मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमें मटर जो के दाने हैं जो वो अलग अलग फ्रीज करे हुए मिले, बिल्कुल बाजार के जैसे मटर आते हैं उस तरह के मटर हमें चाहिए। तो इनको हम ट्रे में अच्छे से फैला देंगे और इनको एक घंटे के लिए हम फ्रीजर में रखेंगे और जब ये थोड़े से जमने लगेंगे, बिल्कुल सख्त हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, फिर हम इनको इकट्ठा करके जिपलॉक पाउच में डाल देंगे। मैंने मटर को लगभग एक घंटा फ्रीजर में रखा, बीच बीच में मैंने इसको थोड़ा हिला दिया था। आप देखिए कितने अच्छे मटर हमारे फ्रीज हो गए हैं, तो एकदम सख्त हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं एकदम, और इनकी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल अलग अलग दाने हैं, इनको सिर्फ चिपके नहीं है। अब हम फटाफट इनको जिप लॉक में डाल देंगे। पाउच की सारी एयर को
रिलीज कर लीजिए इसको बिल्कुल, इसमें से हवा निकाल के और इसको बंद कर दीजिए। और इस तरह से हमारे ये मटर तैयार हैं। इन्हें तुरंत फ्रीजर में रखना है, तो क्योंकि ज्यादा देर तक बाहर रहेंगे तो वापस से इनकी जो है आइस जो है इनकी पिघलने लगेगी और ये वापस से सॉफ्ट होने लगेंगे। तो अब हम इनको फ्रीजर में रख देंगे और जब भी आपको काम में लेने हैं तब आप निकालिए, थोड़े से नॉर्मल पानी में भिगोइए और इनको काम में लीजिए।